हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर राजस्थान ज्योग्राफी के। पिछली वीडियो में हमने देखा था राजस्थान का सामान्य परिचय ज्योग्राफी का, और उसमें हमने राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार के बारे में भी पढ़ा था। तो देखते हैं आपको अवस्थिति विस्तार वाला टॉपिक कितना समझ में आया, और ये क्वेश्चन करने से आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको ये टॉपिक कितना कहाँ तक क्लियर हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान की सभी बड़ी बड़ी रियासतें एक हो गई थी और राजस्थान एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाला था। लेकिन कहा देखा जाए तो राजस्थान राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था, तो ये आया था 1 नवंबर 1956। और इस दिन राजस्थान 7 चरणों में एकीकरण कंप्लीट होता है राजस्थान का, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। लेकिन राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर राजस्थान का संभाग बना। अजमेर राजस्थान का संभाग कब बना ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 1987, ऑप्शन नंबर सी 1991, और ऑप्शन नंबर डी है 1982। तो अजमेर राजस्थान का संभाग बनता है 1987 में, और ये राजस्थान का छठा संभाग बनता है। वर्तमान में राजस्थान के कितने संभाग है? 7 संभाग है, और सातवां संभाग बनता है भरतपुर संभाग, जो कि बना था 2005 में। लेकिन अजमेर संभाग बनता है 1987 में, 1987 में। संभागीय व्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी 1949 में, और मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री ने इसे प्रारंभ किया था। फिर 1962 में मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया, और उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद 1987 में बनते हैं हरदेव जोशी मुख्यमंत्री, और इन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया, और साथ ही छठा संभाग बना दिया किसे? अजमेर को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड प्राचीन नाम था। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? जब भी हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ते हैं तब हम राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र है उन सभी के प्राचीन नाम हमें याद रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांड प्राचीन नाम था, तो मांड प्राचीन नाम था इजी क्वेश्चन है। जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। मांड क्षेत्र कहा जाता था किस क्षेत्र को? वर्तमान के जैसलमेर क्षेत्र को कहा जाता था। एक आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, मांड गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ का मांड क्षेत्र किसे कहा जाता है, जैसलमेर का। तो मांड गायकी भी कहाँ की प्रसिद्ध होगी? जैसलमेर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के संलग्न जिले कौन से? संलग्न जिले यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए जिले कौन से, जिनकी सीमाएं आपस में एक दूसरे से लगती हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें रटने नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें यदि राजस्थान का मैप अच्छे से पता है, अच्छे से याद है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा इस तरह के कितने ही क्वेश्चन आप रट लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले तो हम कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा, और जो बचेगा वह अपना हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम मैप की बात करें, ये हमारा राजस्थान, और इसमें सिरोही यहाँ पर होगा, यहाँ पर बाड़मेर, और यहाँ पर जैसलमेर। तो सिरोही का बाड़मेर और जैसलमेर से संलग्न जिले नहीं होगा, संलग्न सीमा नहीं होगी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है झालावाड़। झालावाड़ ये हमारा हाड़ौती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। पाली यहाँ पर मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ जाएगा, अरावली के पश्चिम भाग में, और फिर आएगा बूंदी और यहाँ पर टोंक। तो यहाँ पर पाली इन तीन जिलों से संलग्न नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सिरोही, पाली और जालोर। तो ये हमारा सिरोही था, यहाँ पर हमारा पाली है, और यहाँ पर जालोर है। तो जालोर, सिरोही और पाली आपस में संलग्न जिले, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हम और देख लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। यहाँ पर चूरू, यहाँ पर झुंझुनू, और यहाँ पर हमारी राजधानी जयपुर, लेकिन जयपुर की सीमा नहीं लगती है चूरू और झुंझुनू से, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? यानी कि गंगानगर से कुछ तहसीलें अलग होकर राजस्थान का एक जिला बनता है हनुमानगढ़ जिला, और ये कौन सा नंबर का जिला था? राजस्थान का 31वें नंबर का जिला था। हमने हमने 1 नवंबर 1956 से लेकर 2008 तक 26वें जिले से 33वें जिले के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि हनुमानगढ़ जिला कब बना था, तो आपको याद होगा कब बना था,
हनुमानगढ़ जिला 1994 में 12 जुलाई 1994 को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और किस जिले से तहसीलें अलग होकर एक नया जिला बनता है, तो गंगानगर। तो गंगानगर जिले से तहसीलें अलग होकर कौन सा नया जिला बनता है, हनुमानगढ़ जिला। और कब बनता है, 1994 में, 12 जुलाई 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ। अब 31वां जिला हमें पता है हनुमानगढ़ बना है, तो 32वां जिला कौन सा बन गया हमारा, करौली जिला। और 32 के बाद में 33वां जिला हमें सबको पता है नवनिर्मित राजस्थान का जिला कौन सा, प्रतापगढ़ जिला। और कब बना था ये, 2008 में। यहाँ पर बात की है करौली जिले का गठन कब हुआ था, तो करौली जिले का गठन हुआ था 1997 में, 19 जुलाई 1997। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से नंबर का जिला हमारा राजस्थान का, 32वें नंबर का जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वप्रथम हमने ये पिछली वीडियो में नामकरण देखे थे कि राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा था, वाल्मीकि ने कहा था, वाल्मीकि द्वारा क्या कहा गया था राजस्थान वाले क्षेत्र को, मरुकांतर कहा गया था। फिर हमने देखा था कि राजस्थान को राजस्थान किसने कहा था, तो राजस्थान सर्वप्रथम कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। राजस्थान शब्द का उल्लेख और कहाँ मिला था सर्वप्रथम, किस शिलालेख में, तो इसे राजस्थानी यादित्य राजस्थानी आदित्य के नाम से किस क्षेत्र में, किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था ये नाम, तो बसंतगढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। और राजस्थान शब्द का उल्लेख और कहाँ मिलता है, मोहनोत नैंसी की ख्यात और राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर पूछा गया राजपूताना शब्द का, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, और यहाँ पर क्वेश्चन बन के आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, और बाद में इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी, जो कि लिखी गई थी 1805 में, द मिलिट्री मेम्योर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक लिखी गई थी जॉर्ज थॉमस के ऊपर, कौन सी, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे, इस पुस्तक के लेखक थे विलियम फ्रैंकलिन। और इस पुस्तक में भी राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना शब्द से संबोधित किया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1805 में, और किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम क्या था। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, इसका दूसरा नाम क्या था, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का इसका दूसरा नाम था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कई बार पूछा जाता है कि ये पुस्तक कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1829 में लिखी गई थी। राजस्थान के इतिहास का जनक, या राजस्थान के आधुनिक इतिहास का जनक कौन, तो कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी किसे जाना जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में हुआ है, और किस नाम से हुआ है राजस्थान, तो इसे राजस्थानी यादित्य कहा गया है बसंतगढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि बसंतगढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ है खीमल माता मंदिर। और कई बार ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का ना बनकर आर्ट एंड कल्चर का बन जाता है, और पूछ लिया जाता है कि खीमल माता मंदिर कहाँ स्थित है, क्योंकि यहाँ से बसंतगढ़ अभिलेख मिला है, इसलिए खीमल माता मंदिर भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए पूछ लिया जाता है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है सिरोही में। और इस पर एक तिथि भी अंकित है, इस बसंतगढ़ अभिलेख पर, कौन सी तिथि, 682 ईस्वी, यानी कि ये अभिलेख
कौन सी सन का है तो 682, थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ईस्वी नहीं है, यहाँ पर ये विक्रम संवत है, 682 विक्रम संवत, 682 विक्रम संवत यहाँ पर तिथि अंकित है इस अभिलेख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, अभी हमने चर्चा की थी राजस्थान शब्द का प्रयोग और कहाँ हुआ था, एक तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसका प्रयोग किया है, और कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ था, बसंतगढ़ अभिलेख में, और कहाँ पर हुआ था, तो मोहम्मद देणसिरी ख्यात और वीर भान द्वारा रचित ग्रंथ राजरूपक ग्रंथ में, तो ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए व बी दोनों ही सही है, मोहम्मद देणसिरी ख्यात ग्रंथ के रचयिता स्वयं मोहम्मद देणसिरी, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, मोहम्मद देणसिरी इसके रचयिता कौन थे, स्वयं मोहम्मद देणसिरी, और ये किसके दरबारी कवि थे, इसके दरबारी कवि थे मोहम्मद देणसिरी, तो ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, और वीर भान का ग्रंथ था राजरूपक, कई बार ग्रंथ आ जाता है कि राजरूपक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो वीर भान द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अब यहाँ पर भी फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जांगल प्रदेश प्राचीन समय में किस क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, सभी को पता होगा बीकानेर क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर जिले का पुरातन नाम क्या है, यानी कि उदयपुर जिले को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो इसे कहा जाता था शिवी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, शिवी के बाद में इस क्षेत्र का नाम हुआ प्रागवाट, प्रागवाट के बाद में नाम हुआ मेतपाट, और मेतपाट के बाद में वर्तमान में कहा जाता था मेवाड़, और मेवाड़ को वर्तमान में कहा किस जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को, ठीक, तो ये हो गया शिवी, शिवी का नाम बाद में प्रागवाट, प्रागवाट के बाद मेतपाट, मेतपाट के बाद मेवाड़, और मेवाड़ वर्तमान में कहा उदयपुर, और इसकी ही राजधानी थी, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन की शिवी की राजधानी क्या थी, तो शिवी की राजधानी थी माध्यमिका, माध्यमिका किसकी राजधानी थी, शिवी की राजधानी थी, और माध्यमिका को ही वर्तमान में कहा जाता है चित्तौड़, माध्यमिका को ही वर्तमान में नाम क्या है, चित्तौड़। नेक्स्ट, श्री गंगानगर शहर या श्री गंगानगर जिला क्षेत्र किस भाग में स्थित है, श्री गंगानगर जब हम मैप देखते हैं राजस्थान का ये मैप, और यहाँ पर है श्री गंगानगर जिला, तो यानी कि ये राजस्थान के किस भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में, उत्तर भाग में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इजी है, लड्डू क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है, सर्वाधिक भौगोलिक दूरी किन दो जिलों के बीच में, ऑप्शन दिए हुए हमें ये चार, जयपुर उदयपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर कोटा और जयपुर जोधपुर, भौगोलिक दूरी वाला समूह पूछा गया, यानी कि यहाँ पर जयपुर और उदयपुर के बीच में सर्वाधिक दूरी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, सुदूर दक्षिण में, यदि यहाँ पर पूछा जाता कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो बोरकुंड गांव, और बोरकुंड गांव कहाँ पर, कुशलगढ़, और कुशलगढ़ कहाँ पर, तो कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा की, कहाँ पर, बांसवाड़ा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है कि सबसे सुदूर दक्षिण वाला स्थान कौन सा होगा राजस्थान का, तो यहाँ पर जो राजसमंद जिला है वो राजस्थान का इन चार ऑप्शन में से दक्षिणतम स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है, उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ या फिर झुंझुनू, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार वाला जिला है हमारा भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है, ये हमारा राजस्थान और राजस्थान के यहाँ पर बॉर्डर साइड में है जैसलमेर जिला मुख्यालय, और यहाँ से थोड़ा सा पूर्व की ओर है कौन सा, रामदेवरा, रामदेवरा कहाँ, पोखरण जैसलमेर में, तो ये राजस्थान के जैसलमेर के जिला मुख्यालय से किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र
भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने पिछली वीडियो में ये आंकड़ा देखा था। राज्य ऑप्शन नंबर बी है, राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। इस तरह के क्वेश्चंस आप एक बार छोटा सा मैप बनाकर पढ़ लीजिएगा ताकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। तो उत्तर से दक्षिण पूछा बोला है, बोल रहा है ये क्वेश्चन में 869 है और पूरब से पश्चिम की ओर है कितना 826। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसने बिल्कुल उल्टा बता दिया है। राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर वो है 826 और पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो है वो अधिक है राजस्थान की, तो ये है 869 किलोमीटर। तो अगर ऑप्शन यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है वो अगर उल्टा होता, उत्तर दक्षिण 826 और पूर्व पश्चिम 869 बोलता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये असत्य हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कि बी असत्य कथन है, लेकिन फिर भी हम अपने दिल की तसल्ली के लिए ऑप्शन नंबर सी और डी भी देख लेते हैं। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, बिल्कुल सही बात है, और किसने कहा था ये, टी एच हेंडले ने कहा था। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डी ऑप्शन है हमारा, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर तथा अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा है हमारी 4850, यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी हो रही है, 5920 किलोमीटर। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अब हम, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। अब ये आंकड़ा फिर से आ गया, इस तरह से बार बार आंकड़े रिपीट होने से हमें ये आंकड़े अगर कोई नींद में भी पूछ लेगा तो भी हमें अच्छे से याद होंगे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अभी हमने देखी है कि लंबाई राजस्थान की कम है यानी कि 826 है और चौड़ाई अधिक है यानी कि चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर लंबाई पूछी है उत्तर से दक्षिण की ओर तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेकिन यही अगर क्वेश्चन होता कि पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है तो 869 किलोमीटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। ऑप्शन को जल्दबाजी में ना पढ़े, आराम से शांति से पढ़े, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन सही क्वेश्चन के आंसर भी जब गलत लग जाते हैं तब बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पूरा पढ़े वाक्य को, 6000 किलोमीटर से कम है यानी कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, 5920। तो बिल्कुल सही है, यही अगर ऑप्शन में होता कि 6000 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा तो यहाँ पर गलत हो जाता, लेकिन से कम लगाकर उसने लगभग आंकड़ा बताया और से कम 6000 से कम है, बिल्कुल सही बात है, 80 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बी, इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। कहां से कहां तक है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जल्दी से कमेंट कीजिए आप कमेंट बॉक्स में जाके। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, उत्तर पश्चिम की अपेक्षा, यहाँ पर उत्तर दक्षिण होगा, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। ये राजस्थान और राजस्थान का जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है 826, ये कम है किससे, 869 से कम है। से कम नहीं पूछा गया, इसमें कहा गया है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार यानी कि 869 826 से कम है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, असत्य पूछा गया है और ये असत्य कथन है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो दिया हुआ है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण से अधिक है, 826 से अधिक है 869, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, यानी कि राजस्थान का देशांतर और अक्षांश बीचों बीच कहाँ पर काटता है एक दूसरे को, वो काटता है नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का केंद्र बिंदु कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर देशांतर और अक्षांश दोनों आपस में एक दूसरे को बीचों बीच काटते हैं, कहाँ पर, नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विस्तार क्या होगा। अब तक हमने देखा था राजस्थान का उत्तर से दक्षिण
और पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार यानी कि लंबाई और चौड़ाई। अब हम देखेंगे राजस्थान का विकर्ण, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। सभी को दिशाएं अच्छे से पता है, ये उत्तर पूर्व दक्षिण और ये पश्चिम। यहाँ पर पूछा गया उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर, ये वाला विकर्ण की लंबाई कितनी है राजस्थान की, तो ये है 850 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर पूछा जाता कि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर जो लंबाई है या विस्तार है वो कितना है राजस्थान का, तो ये है था, तो ये होता 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 850 किलोमीटर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ग्लोब, एशिया और भारत तीनों के आधार पर देखा था। ग्लोब के आधार पर देखें हम, ग्लोब या फिर विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ये हमारा ग्लोब है, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम और ये दक्षिण दिशा, ये उत्तर पूर्व पश्चिम और यहाँ पर हमारा भारत और भारत के अंदर यहाँ पर राजस्थान। यानी कि ग्लोब के आधार पर हम देखें तो राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्व दिशा। नेक्स्ट हमने देखा था एशिया, तो बात करते हैं हम एशिया की, ये हमारा एशिया और यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर है हमारा भारत, ये एशिया का उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और यहाँ पर हमारा राजस्थान है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान एशिया में कहाँ पर स्थित हो रहा है, एशिया के आधार पर देखें तो कौन सी दिशा हो रही है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भारत के आधार पर, यानी कि भारत के मानचित्र में हम देखें तो राजस्थान कहाँ पर स्थित है। भारत का मैप आप सबको अच्छे से पता ही होगा, ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक बिना मैप के नहीं समझा जा सकता है, तो आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए। ये भारत और भारत में इस क्षेत्र में है हमारा राजस्थान, ये भारत का कौन सा क्षेत्र हो गया, ये उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, तो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा में है राजस्थान। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर दोनों ही ऑप्शन में उत्तर पूर्व है, तो यहाँ पर एक जगह पर हम कर देते हैं पश्चिम, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में है राजस्थान। कहाँ पर, भारत के मैप में, यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति में देखें तो राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति क्या है। राजस्थान की आकृति सभी को पता है विषमकोणीय समचतुर्भुज है, और किसने कहा है इसे विषमकोणीय चतुर्भुज, तो कहा है टीएच हैंडले ने, लेकिन यहाँ पर विषमकोणीय चतुर्भुज नहीं है, तो और क्या कहा जाता है राजस्थान की आकृति को, पतंगाकार भी माना गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, 342,249 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर लगाना न भूले, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, और ये आंकड़ा ऐसे याद रखना है जैसे कि हम अपने किसी करीबी का फोन नंबर याद रखते हैं, ठीक है, फोन नंबर से तो कम संख्या है इसकी, तो और भी अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जो भी तैयारी बेसिक से शुरू कर रहे हैं, अभी उनकी शुरुआत है सेट एग्जाम के लिए या फिर रीट वगैरह के लिए, तो वो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर पहले करें, फिर उसके बाद में बड़े बड़े टॉपिक्स को लें, ताकि आपको डर ना लगे। आप पहले ही बड़े टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और आपके बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको शायद एक दो महीने में पढ़ाई छोड़ दोगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, यहाँ पर लगभग आंसर दिया हुआ है और सबके पीछे किलोमीटर स्क्वायर नहीं लगा हुआ या फिर वर्ग किलोमीटर नहीं लगा, अगर वर्ग किलोमीटर नहीं होगा तो फिर वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग पूछा गया है, तो लगभग हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी 342,000 किलोमीटर स्क्वायर, वैसे लगभग आएगा नहीं, एग्जैक्ट डेटा ही पूछा जाता है अधिकतर। और यहाँ पर अब ये तो बात थी किलोमीटर स्क्वायर की, कई बार क्वेश्चन घुमा दिया जाता है और पूछ लिया जाता है वर्ग मील में आंसर दीजिए, वर्ग मील ऑप्शन में सारे वर्ग मील हो जाएंगे और एक ऑप्शन हमारा 342,249 वर्ग मील भी हो जाएगा, तो जल्दबाजी में हम वर्ग मील वाला 342,000 टिक कर देंगे, लेकिन वर्ग मील में इसका आंकड़ा क्या हो जाएगा, 132,140 वर्ग मील, 132,140 वर्ग मील। किलोमीटर स्क्वायर में पूछे तो 342,249 किलोमीटर स्क्वायर और वर्ग मील में पूछे तो 132,140 वर्ग मील। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो हमने पिछली वीडियो में जब हमने अवस्थिति विस्तार को डिटेल में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि राजस्थान का वर्तमान में स्थान क्या है, राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो प्रथम स्थान है,
और प्रथम स्थान कब से हुआ ये? तो ये 1 नवंबर 2000 से हुआ है। कैसे 1 नवंबर 2000 से हुआ था? क्योंकि राजस्थान तो राज्य के रूप में अस्तित्व में 1956 में ही आ गया था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होता है, अलग होती है कुछ जिले, और अलग होकर कुछ जिले मिलकर एक नया राज्य बनता है भारत का। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है और उसी समय एमपी से अलग होता है वो 2000 में, और एमपी का क्षेत्रफल कम हो जाता है राजस्थान की तुलना में, इसलिए राजस्थान प्रथम स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर कब आया था, तो कब आया था? 1 नवंबर 2000 से। ये डेट भी हमें याद रखनी है, किसको पीछे छोड़ा है राजस्थान ने? एमपी राज्य को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है, सबके पीछे प्रतिशत लगा हुआ है। 10.41%, 11.11%, 11.22% या फिर 5.6%। तो कितना प्रतिशत है भारत का के कुल क्षेत्रफल का? राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस उम्मीद है कि आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है? यहाँ पर 4 यूरोपीय देश दिए हुए हैं, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश है जिनके बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल? यानी कि कुछ यूरोपियन देश ऐसे हैं जो कि हमारे भारत के एक राज्य के बराबर है, तो कौन से देश ऐसे हैं यूरोपियन देशों में से? तो नॉर्वे और पोलैंड। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जिसमें होगा वो सही होगा। यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि नॉर्वे और पोलैंड का जो क्षेत्रफल है ये यूरोपियन कंट्रीज है जिनका हमारे एक राज्य यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। कई बार पूछा जाता है कि इजराइल का कितना गुना है, तो इजराइल जो कि विश्व में काफी प्रसिद्ध देशों में से एक है, इजराइल, और इजराइल के 17 गुना है, यानी कि 17 इजराइल आ जाए हमारे राजस्थान में, इतना बड़ा हमारा राजस्थान है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि श्रीलंका, तो 5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना बड़, 5 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल, 5 गुना यानी कि 5 श्रीलंका आ जाते हैं हमारे राजस्थान में। और ब्रिटेन का कितना गुना है, ब्रिटेन से कितना बड़ा है राजस्थान? तो 1.5 गुना, ब्रिटेन का 1.5 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका हमें क्षेत्रफल याद रखना है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल है किसका? जैसलमेर का। जैसलमेर के बाद में हमने और 5 टॉप 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले देखे थे, जिसमें से पहला जिला था हमारा जैसलमेर। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला था? दूसरे नंबर पे था बाड़मेर। तीसरे नंबर पे था बीकानेर। चौथे नंबर पे था जोधपुर। और 5वें नंबर पे था नागौर। ये सभी टॉप 5 मोस्ट बड़े जिले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे छोटा जिला, अब यहाँ पर सबसे छोटा जिला पूछा है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला होगा धौलपुर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में ऑप्शन नंबर बी, और सबसे छोटे 5 जिले अगर याद रखने होंगे तो कैसे याद रखेंगे? 3D, DDD और फिर लास्ट में PR। तो डी से सबसे छोटा जिला तो हम सबको पता है धौलपुर। धौलपुर के बाद में दौसा, और तीसरे डी का मतलब है डूंगरपुर, और यहाँ PR का मतलब है प्रतापगढ़, पी से मतलब प्रतापगढ़ और R से मतलब राजसमंद। ये हमारे टॉप 5 सबसे छोटे जिले, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। धौलपुर की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि सबसे छोटा है तो हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, 3,034 किलोमीटर स्क्वायर धौलपुर का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? यहाँ पर आंकड़ा डेटा पूछा गया है कि जैसलमेर या जिसका हमें क्षेत्रफल पड़ता है 38,000 के समथिंग है, 38,401, और धौलपुर का पता है हमें 3,000 के बराबर है, तो ये इससे कितना गुना बड़ा होगा? तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12.66 गुना, कितना गुना? 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर किससे? धौलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? ये हमारे टॉप 5 छोटे जिलों में से एक जिला है, कौन सा? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल यदि मैं बात करूँ तो 4,117 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये यहाँ पर ऑप्शन हमें लगभग में दिए हुए हैं। अगर हमें लगभग भी याद होगा तो भी हम अपना आंसर निकाल देंगे। तो 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य है इसका प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े यहाँ पर दो जिलों में, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? यानी कि राजस्थान के सबसे बड़े दो जिले, सबसे बड़ा जिला तो हमें पता है जैसलमेर नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर है बाड़मेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, और बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,000 के आसपास है। लगभग भी हमें पता होगा तो भी हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 10,000 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 10,000 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है, दो जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग समान है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन रटना नहीं चाहते तो आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए, और जैसे आप मैप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे जिलों की जो बनावट है, आकृति है, वो भी ठीक से समझ में आ जाएगी, और कौन से जिले एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा अजमेर और अलवर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवस्थिति विस्तार में से जो टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जहाँ पर डेटा या फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस लड्डू क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे, उतने ज्यादा आपको समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का कौन सा जिला एक समान प्रतिशत रखता है? यानी कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही समान है, तो वो ऐसा जिला कौन सा है? सिरोही जिला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में भी कई बार पढ़ी है, कितनी है? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, जो कि किससे किससे लगती है? एक तो राष्ट्र से लगती है जिसका नाम है पाकिस्तान, और 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो राजस्थान की यहाँ पर स्थलीय सीमा पूछी है, 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा में, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तो राजस्थान की सीमा कितनी होगी? 4,850 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्य सीमा की बात करें तो राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 4,850 किलोमीटर, और इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है हमारा आंकड़ा? 5,920। यहाँ पर कुल पूछा गया, तो कुल कितनी है? 5,920 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की जो सीमाएं लगती है वो कुल मिलाकर स्थलीय सीमाएं लगती है। बाकी भारत के कई सारे ऐसे राज्य जिनकी समुद्री सीमा भी लगती है, स्थलीय सीमा भी लगती है, लेकिन राजस्थान की समुद्र सीमा नहीं लगती है, केवल स्थलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से, तो ये हमने अभी देखा है 4,850 तो हमारी अंतरराज्यीय है, लेकिन यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पूछी गई है जो कि कितनी है? 1,070 किलोमीटर, और किससे लगती है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं राजस्थान की सीमा से? तो 9 जिले लगते हैं। और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को राजस्थान की किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पूरी सीमा है निर्धारित की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सर रेडक्लिफ द्वारा, इसीलिए उनके नाम पर ये इस रेखा का नाम रखा गया, तो इसे क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सीमा का निर्धारण कब किया गया था? राजस्थान सीमा का निर्धारण नहीं, यहाँ पर राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा, और इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? यहाँ पर डेट पूछी गई है 17 अगस्त 1947, यानी कि स्वतंत्रता के 2 दिन बाद रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, राजस्थान के कितने जिले हैं? 4 जिले, और कौन कौन से जिले, ये हम बात करें, ये राजस्थान की सीमा वाला क्षेत्र जो कि पाकिस्तान से लगता है, ये इधर पाकिस्तान और इधर हमारा राजस्थान, और राजस्थान से सीमा लगने वाले 4 जिले कौन से हैं? पहला गंगानगर, श्रीगंगानगर, फिर है बीकानेर, फिर है जैसलमेर, और उसके बाद में है बाड़मेर। 4 जिले राजस्थान के, कौन कौन से जिले होंगे यहाँ पर ऑप्शन में? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ए में क्या आ रहा है? जोधपुर, जोधपुर की नहीं लगती है, जोधपुर राजस्थान का अंत स्थलीय जिला है जिसकी किसी भी न तो राष्ट्र से न ही राज्य से सीमा लगती है। फिर यहाँ पर भी जोधपुर आ गया तो ये गलत हो जाएगा। जालौर की सीमा राजस्थान से नहीं राजस्थान के पाकिस्तान से नहीं लगती है, यहाँ पर जालौर की सीमा लगती है किससे? गुजरात से, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का कौन सा है पाकिस्तान से बनाने वाला? तो वो है बीकानेर। कितनी लगती है? 1068 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सबसे छोटी पूछा गया। अगर सबसे बड़ी पूछा जाता तो सबसे बड़ी किसकी लगती है? जैसलमेर की। कितनी? 464 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरे दो जिलों की बात करूं तो गंगानगर की कितनी लगती है? 210 किलोमीटर, और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन बढ़ते से घटते क्रम में आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बढ़ते से घटता हुआ क्रम क्या होगा, तो सबसे सर्वाधिक किसकी? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में किसकी? बाड़मेर की। बाड़मेर के बाद गंगानगर की, और गंगानगर के बाद बीकानेर की। तो इस तरह से हमें क्रम भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्रम बनेगा जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। कितनी कितनी? तो 464 तो जैसलमेर की, बाड़मेर की 228, गंगानगर की 210 और 168 लगती है बीकानेर की। ये हमारा क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में कहां से कहां तक, यानी कि पाकिस्तान की जो सीमा बनाती है रेखा, वो रेखा राजस्थान में कहां से लेकर कहां तक विस्तृत है, यानी कहां से शुरू होकर कहां तक खत्म होती है? तो ये होती है हिंदुमल कोट, जो कि है गंगानगर में। हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाड़मेर के बाखासर क्षेत्र तक, बाड़मेर के बाखासर क्षेत्र तक कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 1070 किलोमीटर। कब निर्धारित की गई थी ये रेडक्लिफ रेखा? 17 अगस्त 1947 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ये लगती है झालावाड़ राज्य के साथ। किसके साथ? झालावाड़ राज्य के साथ। और कितनी लगती है? तो लगती है 1600 किलोमीटर। क्लियर। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर, और पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। तो सर्वाधिक किसके साथ? झालावाड़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा राजस्थान का? बाड़मेर जिला। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है ऐसा जिला, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ बनती है, इन दोनों के साथ बनाने वाला जिला कौन सा होगा? वो भी बाड़मेर होगा। कॉमन जिला कौन सा है? जो कि गुजरात के साथ, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है बाड़मेर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, तो वो कौन सा जिला होगा? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो राज्य कौन सा है? 5 राज्यों में से सबसे छोटा राज्य जो जिसकी 5 राज्यों में से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा? पंजाब राज्य होगा। कितनी सीमा लगती है इसकी? 89 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? राज्य का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य से लगने वाले, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के साथ लगने वाले राजस्थान के दो जिले कौन से? भरतपुर और धौलपुर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
और यूपी के ऐसे जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो भी दो जिले हैं, कौन से? आगरा और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत के ऐसे राज्य जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कितने राज्य है? 5 राज्य है। कौन कौन से राज्य हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के वो 5 राज्यों का नाम कौन कौन से होंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण पर्यावरण राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलती है वह है? यानी कि MP और UP दोनों के साथ सीमा बनाने वाला हमारा राजस्थान का जिला कौन सा होगा? तो वो होगा धौलपुर जिला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूपी के साथ भी सीमा बनाता है और MP के साथ भी सीमा बनाता है। ये किस किस के साथ में सीमा बनती है, किस किस जिले की, इसको आप बार बार मैप में ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बाकी आप रटते रहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की संख्या स्पर्श होती है? ऐसा जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से स्पर्श होती है, तो कौन सा जिला है? वो है पाली जिला। कितने जिलों से? 8 जिलों से यह जिला सीमा स्पर्श करता है। और इसके बाद में 7 जिलों से सीमा स्पर्श होने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर। लेकिन यहाँ पर अधिकतम जिलों के साथ स्पर्श करने वाली जिला पूछा गया है, तो वो कौन सा होगा? हमारा पाली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जहाँ पर सर्वप्रथम सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त भी वहीं होता है, तो कौन सा जिला होगा? हमारा धौलपुर जिला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान के सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ पर अगर पूर्वी जिला पूछा है, पूर्वी स्थान, सबसे पूर्वतम स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? सीलाना गांव। और सीलाना गांव कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। सीलाना गांव धौलपुर जिला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होने वाले? 50 नंबर तक हमने कर लिए थे, अब 51 से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, राजस्थान के पश्चिम में कौन सा देश है? यानी कि राजस्थान की किस देश से सीमा लगती है? हम सबको पता है पाकिस्तान से लगती है। और ये राजस्थान के यदि नक्शे में हम देखें तो राजस्थान के नक्शे में ये किस क्षेत्र में आता है? पश्चिमी क्षेत्र में। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा देश है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का किस राज्य से सीमा विवाद चल रहा है? राजस्थान के कुल कितने राज्यों से सीमाएं लगती है? तो 5 राज्यों से सीमाएं लगती है। और किस राज्य से सीमा विवाद चल रहा है? तो सीमा विवाद राजस्थान का चल रहा है गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य से राजस्थान का सीमा विवाद चल रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान के किन जिलों की गुजरात के साथ सीमा लगती है, तो हम शुरू करेंगे मैप में देखते हुए, स्टार्ट करना है हमें बांसवाड़ा से। आगे हम देखते हैं तो डूंगरपुर से ऊपर उदयपुर के आगे सिरोही के आगे जालोर, और जालोर के बाद में थोड़ी सी सीमा लगती है, यानी कि सबसे न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। और बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्य सीमा भी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय तो पाकिस्तान के साथ, और अंतर्राज्य सीमा बनाएगा गुजरात के साथ। इस तरह से हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? ये राजस्थान और राजस्थान के इस क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से? तो बांसवाड़ा की तो बीचों बीच से गुजरती है, और यहाँ पर डूंगरपुर है, डूंगरपुर के दक्षिण को छूते हुए कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, उत्तर पूर्व दक्षिण या फिर पश्चिम? तो ये कर्क रेखा हमें कहाँ दिख रही है? राजस्थान के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, हमें पता है पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, और उस नदी का क्या नाम है जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती है? वो उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी यहाँ पर आमेरू हिल्स MP से निकलती है, मेहत झील से यहाँ पर खांडूग्राम बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुई गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और यहाँ से गुजरती है कौन सी? 23.5 डिग्री रेखा, यानी कि कर्क रेखा। इसी को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है ये नदी? तो दो बार काट रही है। कौन सी नदी? तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस जिले पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? ये राजस्थान, और राजस्थान के किस क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती है, यानी कि ये हमने देखा था 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये कर्क रेखा थी। कर्क के नीचे कौन सी रेखा आती है? विषुवत रेखा, और विषुवत के नीचे आती है 23.5 डिग्री, और इसे कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें, कहा जाता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी तो कहां पर पड़ती है, इस 0 डिग्री विषुवत रेखा पर। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे या जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते रहेंगे, वैसे वैसे इसकी किरणें तिरछी होती जाएगी। तो यहाँ 23.5 डिग्री तक अगर हम राजस्थान पहुंचते हैं, तो राजस्थान में तो सबसे सीधी एक तरह से देखा जाए तो कहां पर पड़ रही है? बांसवाड़ा में। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, और ऊपर यहां पर आएगा क्या? गंगानगर। तो गंगानगर में सबसे तिरछी पड़ रही है राजस्थान के सभी 33 जिलों की बात करें तो, विश्व की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, 33 जिलों की बात कर रहे हैं राजस्थान के, और सबसे तिरछी कहाँ पड़ रही है? श्री गंगानगर जिले में। तो यहाँ पर ऑप्शन में, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ पड़ती है कहाँ पर? श्री गंगानगर जिले में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हम सबको पता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। अब यहाँ पर इस एन को ध्यान में रखना है, यानी कि एन का मतलब है नॉर्थ, और हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान के जो अक्षांश है वो उत्तर से लेकर उत्तर तक ही, यानी कि दोनों जगह उत्तर आना चाहिए, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दोनों तरफ दिशाएं क्या आएगी? उत्तर, यानी कि उत्तर अक्षांश राजस्थान को कवर करता है। कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए एक तरफ उत्तर और दक्षिण दे देते हैं, कई बार स्टूडेंट इतने इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं कंफ्यूज होकर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है क्या होगा, दोनों तरफ उत्तर होगा, और अक्षांश देखें तो कहाँ से कहाँ तक? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57, राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक, यानी कि और दोनों ही तरफ दिशाएं कौन सी होगी? देशांतर कहाँ से कहाँ तक है? तो दोनों तरफ पूर्वी देशांतर ही आएंगे। इसमें भी ये याद रखना है, पूर्वी देशांतर ही आएंगे, क्योंकि राजस्थान भारत नहीं, विश्व के आधार पर देखिए, ग्लोब के आधार पर देखिए तो किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्वी दिशा में। तो अक्षांश और देशांतर, अक्षांश तो आएंगे उत्तरी दिशा के, और देशांतर के कौन सी दिशा के आएंगे? पूर्वी दिशा के। यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मानक समय ग्रीनविच, यहाँ पर ग्रीनविच है, ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे, कितना आगे है? क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, कितना आगे है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से कितनी आगे है? तो कितनी आगे है? 5.5 घंटे आगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? अभी हमने देखा है राजस्थान का जो विस्तार है, देशांतर विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है, यानी कि 69.5 डिग्री, और यहाँ पर हमारा पास में 70 डिग्री आ जाएगा, और 70 पे यहाँ पर कौन सा जिला आ जाएगा? हमारा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा जिला मुख्यालय शहर के 70 डिग्री पूर्व तथा 74 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित नहीं है? यहाँ पर जिला मुख्यालय की बात हुई है, जो कि कहाँ से? 70 डिग्री देशांतर से लेकर 74 डिग्री देशांतर के मध्य नहीं है। यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला जो मुख्यालय है वो 70 डिग्री से 74 डिग्री के मध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर स्टूडेंट है, किन वर्षों में संभागीय व्यवस्था के पद को समाप्त करके पुनः स्थापित किया गया था? हमने पिछले वीडियो में डिटेल में हमने पढ़ा था संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी, 1949 में हीरालाल शास्त्री जी द्वारा शुरू की गई थी, और फिर इसके बाद में इसको समाप्त किया था मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 1962 में, और इसे पुनः स्थापित किया था इस व्यवस्था को किसने? हरदेव जोशी जी ने, कब? 1987 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब समाप्त हुई थी? 1962 में समाप्त हुई थी, लेकिन पुनः शुरू की गई थी या पुनः स्थापित की गई थी इस व्यवस्था को कब? 1987 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदी में या किस वर्षों के अंतराल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी? किस वर्ष में नहीं थी? अभी हमने देखा है। किस सदी में या किस वर्षों में राजस्थान की संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी? तो किस वर्षों में नहीं थी? अभी हमने देखा है 1962 से लेकर 1987 के बीच में संभागीय व्यवस्था को राजस्थान में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक ही पॉइंट से या कुछ 2-3 डेटा को याद रखकर ये कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष संभागीय आयुक्त
पद पुनः सूचित किया गया था, यानी कि संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई थी 1987 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में संभाग तथा जिलों की संख्या कितनी है? सबको पता है, लड्डू क्वेश्चन जैसा है ये, तो सबको एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, तो इतना तो सबको आता ही है। कितने तो संभाग है? 7 संभाग है। और कितने जिले राजस्थान के? 33 जिले। अब इसको आप ब्लैंक मैप में भरने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कौन सा जिला आएगा और किस संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है राजस्थान का? तो राजस्थान में 2 जिले ऐसे जिनमें 6-6 जिले हैं। कौन से संभाग है? जोधपुर संभाग, और दूसरा कौन सा? उदयपुर संभाग। दूसरा कौन सा? उदयपुर संभाग। यहाँ पर ऑप्शन में उदयपुर नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जोधपुर उदयपुर दोनों एक ही ऑप्शन में, अगर यहाँ पर सी में लिखा होता जोधपुर और उदयपुर, तो भी सी ऑप्शन सही होता। दोनों ही एक साथ में नहीं आएंगे क्योंकि सबसे अधिक जिले 2 जिलों में राजस्थान में, 6-6 जिले। जैसलमेर, इसकी हमने ट्रिक देखी थी, कौन सी? जैसीपा बजाजू, जैसीपा बजाजू। जैसे जैसलमेर, सी से सिरोही, पा से पाली, ब से बाड़मेर, झा से जालौर और जो से जोधपुर। ये 6 जिले हो गए जोधपुर संभाग के। उदयपुर संभाग के कौन से जिले थे? उपराची डूबा। उ से उदयपुर, प्र से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। तो ये हो गए उदयपुर संभाग के 6 जिले। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग। अगर उदयपुर होता ऑप्शन में तो वो उदयपुर आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? बीएससी हम कहाँ से करेंगे? धौलपुर से करेंगे। बीएससी कहाँ से करेंगे? धौलपुर से करेंगे। बी से भरतपुर, एस से सवाई माधोपुर, सी से करौली और धौलपुर से धौलपुर। यानी कि कितने जिले हो गए? 4 जिले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, कौन से संभाग है? राजस्थान के ऐसे संभाग जिनका 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा क्षेत्रफल वाले संभाग है जोधपुर और बीकानेर। हमारे मरुस्थल के 2 संभाग है जोधपुर और बीकानेर, क्योंकि मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है राजस्थान का। तो यहाँ पर जोधपुर और बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा, जिनका क्षेत्रफल, अगर इन संभाग का क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? उदयपुर और अजमेर का। जब आप मैप देखोगे तो इन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग आपको समान दिखेगा, बराबर समान क्षेत्रफल वाले जिले इन दोनों जिलों, इन दोनों संभाग में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% है। ये बिल्कुल सही है, डेटा फैक्चुअल चीज है, ये याद होनी चाहिए। और जितनी बार आप इस तरह के फैक्चुअल या डेटा बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आपकी बार बार प्रैक्टिस होती जाएगी और कमांड हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस में। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, यह केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। बिल्कुल सही आंसर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 जिले कौन से हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और ऑप्शन नंबर सी हमारा, राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है। कौन कौन से संभाग है जिन संभागों में जिले कितने हैं? 4। एक तो बीकानेर संभाग, बिग चूहा, और बिग चूहा मतलब बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और ह से हनुमानगढ़। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अजमेर संभाग, जिसका मैंने बोला है आपको, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कौन कौन से जिले आएंगे अजमेर संभाग में। तीसरा है कोटा संभाग, कोटा में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और अभी हमने देखा है भरतपुर संभाग, जिसमें हमने देखा था बीएससी हम कहाँ से करेंगे? धौलपुर से। बी से भरतपुर, एस से सवाई माधोपुर, सी से करौली और धौलपुर से धौलपुर। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान होगा, राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया असत्य कथन, और असत्य कथन कौन सा है? डी, क्योंकि 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा वाला संभाग है हमारा कौन सा? जोधपुर संभाग। तो यहाँ पर कौन सा असत्य कथन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल का 1/3, यहाँ पर 1/3 या 1/3 क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा होगा? जोधपुर संभाग, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है, और इसका 1/3 भाग कौन सा संभाग में है? जयपुर संभाग में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? 26वां जिला तो सबको पता है, 1 नवंबर 1956 को बना था अजमेर जिला, लेकिन 27वां जिला कौन सा है? तो 27वां जिला है धौलपुर जिला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा जिला? धौलपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वें जिला
या जिले, प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? यानी कि तीन ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनकी तहसीलों को मिलाकर राजस्थान का 33वां नवनिर्मित जिला बनाया गया था, जिसका नाम था प्रतापगढ़। और कब बनाया गया था? 2008 में, 26 जनवरी 2008 को बनकर तैयार होता है। कौन सा जिला राजस्थान का 33वां जिला? प्रतापगढ़ जिला। किन जिलों के तहसीलों को मिलाकर तीन जिले थे, और तीन जिले कौन से? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कौन कौन से जिले? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति के अनुसार युग में भिन्न है, कौन सा भिन्न युग में है? स्थिति के अनुसार डूंगरपुर, बांसवाड़ा स्थिति के अनुसार बिल्कुल सही है, बीकानेर गंगानगर भी सही है, अलवर भरतपुर भी सही है। यहाँ पर जैसलमेर और जालोर दूर है, यहाँ पर डी ये भिन्न है। युग में कौन से है? ये भिन्न है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा आपस में मिलती है, बीकानेर गंगानगर की भी लगती है, अलवर भरतपुर की भी लगती है, लेकिन जैसलमेर जालोर की नहीं लगती। जब आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो जैसलमेर बाड़मेर फिर उसके बाद में आएगा जालोर, यानी कि जैसलमेर और जालोर के बीच में कौन सा जिला आ रहा है? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो किसकी नहीं है जल्दी से बताइए, ऑप्शन भीलवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर या फिर चित्तौड़गढ़। किसकी नहीं है, कौन से जिले मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो राजसमंद की जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, डुंगला और कपासन किस जिले की तहसील है? ये दो क्षेत्र है डुंगला और कपासन, ये किस जिले के अंदर आते हैं या किस जिले की तहसीलें हैं? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सॉल्व किए 25 क्वेश्चन अवस्थिति विस्तार के। अब तक हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सीईटी की या फिर रीट मुख्य परीक्षा की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लिंक पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको, साथ ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए, ये हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक टॉपिक सॉल्व करेंगे, टॉपिक को समझेंगे डिटेल में, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस में भी लाएंगे और टॉपिक को भी समझते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।